सोनी जी गुजरात से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे बुरा हो या अच्छा। लेकिन कुछ बुरे कर्म जैसे भ्रष्टाचार, बलात्कार और हत्या, ऐसे कर्मों का फल कई बार देखा गया है कि इस जन्म में तो मिलता ही नहीं है। तो इसकी वजह से समाज में ऐसे कर्म करने को आप कितना देख पाए हैं? आपकी दृष्टि कितनी, किसका प्रश्न है? आपकी दृष्टि कितनी है? जब चोरी किया और पुलिस पकड़ के ले गई तो दो चार थप्पड़ रास्ते वाले देखे, लेकिन थाने के अंदर जो उसके और इसके बाद जो वहां कानूनी सजा होकर पूरे जीवन भर जो उसको दंड मिलता है, आपकी दृष्टि वहां तो नहीं है ना? ऐसे जैसे पाप कर्म कर रहे हैं इस समय, पुण्य कर्म का प्रताप चल रहा है तो एक कांटा भी नहीं लगेगा। जब तक वो पुण्य है तब तक चलता रहेगा। इसके बाद जब वो पुण्य खत्म होगा जिसके प्रभाव से बच रहे थे, और पूर्व का पाप और अभी का पाप ये दोनों मिलेंगे, उसके देखने लायक अपनी दृष्टि नहीं ना। अगर दिव्य दृष्टि हो तो देखने को मिल जाए, और अपने पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं। पर इतना देखा कि हथकड़ी लगा के थाने के अंदर ले गए, कि उसको फी ले जाते थे न्यायालय में, वहां जो दंड मिलता। क्या सभा में फांसी दी जाती है? क्या एकांत में दी जाती ना? ऐसे आपने पाप जो किया है उसका फल एकांत देश है नरक, उसमें दंड मिलता है। और फिर कुछ जो पाप बचते हैं फिर उनके अनुसार उसका अगला जन्म कर दिया जाता है। तो ये तो ज्ञानी जन देख पाते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि है। अपने लोग ने बगैर चाह तो ऐसी रहती कि इसने पाप किया तो अभी दंड मिलना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं है। अगर बहुत भारी अपराध बन गया तो फिर आयु क्षीण हो जाती है, तत्कालिक दंड मिल जाता है। जैसे पूर्व में हमको बताया गया था कि जो उन्होंने गलती की थी ना दूसरे दिन सुबह ही, ऐसा उनका तत्कालिक महापाप बन गया और पुण्य उनका सपोर्ट नहीं कर पाया। नहीं तो अगर पुण्य सपोर्ट करता तो न्यायालय में बात जाती, वर्षों चलता, फिर उनको दंड मिलता। ऐसा ये भागवतिक विधान बड़ा सूक्ष्म है, ये निर्णय होता है ज्ञान के द्वारा। अब अपनी अज्ञान बुद्धि से उसका नहीं, कोई बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छे से चलता है और पग पग पर उसको विपत्ति देखी जाती, परेशानी देखी जाती है, ऐसा लगता है क्या होगा, बड़ा दान पुण्य करता है, भजन करता है, धर्म से चलता है, इतना दुख देते हैं, और वो अगला आदमी जो है मस्ती कर रहा है, धर्म का उल्लंघन कर रहा है और बड़े मौज से रह रहा है, तो विपरीत दशाएं देखी जाती है। आज का सत्संग सुना था क्या आपने? सुना था ना? हाँ, तो बस सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है उसी से समझा जा सकता है। धृतराष्ट्र जी ने यही प्रश्न किया था कि जो धर्म आचरण नहीं करते हैं पाप करते हैं, और एक होते हैं धर्म भी करते हैं और पाप ही भी करते हैं, तो क्या उसका वो पुण्य वाला कार्य उसके पाप को नष्ट कर देता है क्या? उनका नहीं, वो अलग विभाग है, वो अलग। एक है जो नष्ट कर सकता है, भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। तो बड़ा सूक्ष्म है, बका चाहत तो यही होती है कि अभी अपराध करे अभी दंड मिले तो सब कोई देखे तो भयभीत हो जाए, पर ऐसा यहां का भी कानून नहीं है। तो फिर सरकारी जो भी है तो भगवान के ही, सब जितने भी अस्त्र शस्त्र विधान बने ये सब शास्त्र सम्मत ही बने हुए हैं, क्योंकि जो भी महापुरुषों ने बनाया है ना वो शास्त्र सम्मत ही बनाएंगे, चाहे वो धनुर्वेद हो मतलब अस्त्र विद्या हो, चाहे वो आयुर्वेद हो अथवा डॉक्टरी हो, या जो भी विधान है वो सब वेद हैं, शास्त्र हैं, उन्हीं को लेकर रूपांतरित करके बनाया गया है। तो अपने लोगों को नहीं देखने को मिलता, जो आदमी इतना गंदी तरह से किसी की हत्या करे उसको दंड तो मिलता है, बड़ा भयानक दंड मिलता है। अब बोलो जिसको ये पता चल गया कि 10 दिन बाद तेरी फांसी है और 10 बजे होगी, अब वो प्रतिपल मरेगा, कितना भयानक कष्ट उसको है। इसलिए तो शारीरिक दंड मिला, इसके बाद उसको नारकी दंड मिलेगा। जैसे थाने में पिटाई हुई तो पूरा हिसाब थोड़ी हो गया, अभी तो न्यायालय से दंड विभाग उसे दंड निश्चित करेगा और फिर जेल में मिलेगा। तो इसलिए बहुत डरना चाहिए कि हमसे पाप कर्म ना हो, पर वो माया इतनी विचित्र है कि हो ही जाते हैं। अगर नाम जप करता रहे तो जो पाप हो गए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाएगी कि आपकी रुचि ही नहीं रह जाएगी। जैसे देखो कई लोग हैं पीछे शराब पीते रहे, अब वो सत्संग सुने तो कहते हमारी रुचि ही नहीं है हमें, मतलब तो कई बार हम नहीं छोड़ पाते, जानबूझ के नहीं छोड़ पाते, जानते गलत है। तो उसका कारण होता है हमारे अंदर बल की कमी हो गई है, जो अध्यात्म बल है जिसके द्वारा हम इंद्रियों को रोक सकते हैं वो विषय सेवन से नष्ट हो गया है। अब हमको अध्यात्म बल पाना है तो नाम जप से
साधु सेवा, अन्य जीवों की सेवा, माता पिता की सेवा, अच्छे आचरण, इनसे आप में तेज आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जाए। शरीर भले रुग्ण हो, मतलब शरीर रोग से, लेकिन अंदर से कोई दुखानुभूति नहीं होगी, एक आनंद बना रहेगा। और ये शरीर तो जाएगा, चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, अब जहां जाएगा तो बहुत बढ़िया कमाई की है, इसलिए बहुत आनंद रहेगा। और ऐसी कमाई की जो बहुत बुरी है तो फिर बहुत दुख मिलेगा। अब अपने तो देख लिए कि सजा हो गई, पर उसको क्या बीतती है, परिवार से बिलग, स्वतंत्रता रहित, जो मिले वही खाना, और वहां भी ऐसे ही लोगों का संग जो अधर्माचरण करके गए। अब कितना जीवन नरक में, अपने प्रिय से आप बैठ करके बात नहीं कर सकते, पर्दा लगा है जाली का लोहे के, इधर से आप बात करो, इधर से आप बात, क्या जीवन। सोचो यहां दंड मिलता है ना, ये तो ये नहीं कि यहां मिला तो पूरे मुक्त हो गए, ऐसा भी नहीं। जैसे थाने में पिटाई हुई तो पूरे नहीं मुक्त हुए, जेल में। ऐसे ही अगर महत अपराध बन गया है तो अभी इसका और दंड मिलेगा नरक योनि में जाके। तभी तो महापुरुष जन कहते हैं डरते रहो, कोई अपराध न बने, कोई गलती न बने, मनुष्य जीवन मिला है। बड़ी मनमानी आचरण हो जाते हैं, जब भजन नहीं होता तो शासन कौन करे, भजन है तो बुद्धि डरती है, एक एक बात में डर, नहीं नहीं ऐसी गलती हो गई तो हमारा भजन छूट जाएगा, हमारी गति बिगड़ जाएगी, हमारे सुख नष्ट हो जाएंगे। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए होश से चले। इतना तो हमें लगता है सबको पता है कि ये गलत है, गलत का तो हमें लगता है पता तो है ही है, क्योंकि अपने जब कोई गलत सोचे हैं तो अंदर से आ गया कि ये गलत है, इसका मतलब अंदर बैठा है निर्णायक, और वो संकेत तो कर ही देता है गलत है, पे अपने लोग प्रमादवश अवहेलना कर देते हैं। कई बार देखा है, हर छोटी बात का उत्तर अंदर से मिलता है। अपने को लगा हाथ पवित्र है और श्री जी की सेवा में जा रहे हैं, अब अंदर से यार नहीं पहले हाथ धोइए, नहीं तो कोई हमारा पवित्र थोड़ी है, और आप चले, नहीं माना उसकी बात। वो बता, आपको हर संकेत मिलेगा, अगर आप अंतर्मुख थोड़ा जानते हैं इंद्रियों को करना, तो आप देख लो हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर मिल जाएगा। आप अच्छे कार्य करने चलते हृदय शीतल हो जाएगा और बुद्धि प्रसन्न होगी, बुरे कार्य चलते एक चिंता, एक भय, एक विषाद, अंदर से प्रेरणा, मत करो यार ये ठीक नहीं, पर हम नहीं मानते, कर बैठते। तो जो कर बैठते हैं, नहीं मानते, उसमें हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करता है भजन। श्री हरिवंश नाम बल लाओ, अब भजन बल से हो, नहीं करना तो नहीं करना, जब मर जाओ अब खत्म, इसके आगे कोई दुख दे नहीं सकता मन, जब हमने मरना स्वीकार कर लिया मृत्यु जनित सुख दुख को, तो अभी मन हमें क्या भयभीत करेगा, नहीं कर सकता, बुरा आचरण नहीं करूंगा, धर्म से चलूंगा, ये सब ठीक हो जाएंगे। पर हमारे निश्चय में दम नहीं है, आज निश्चय करते और कल हमारा निश्चय टूट जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वास्तविक बल नहीं है। वो बल है मेरे बल सी वृंदावन रानी, प्रियालाल की शरण होकर नाम जप करते। बहुत बढ़िया कमाई करो, मनुष्य शरीर केवल कमाई के लिए मिला, गंवाने के लिए नहीं। जो मनमानी आचरण करते हैं वो पूर्व जो सुकृत हैं उनको गवा कर खाली हाथ यहां से पाप का बोझा लेकर के जाते हैं, बहुत सावधान। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।